सेनेट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान चढ़ा वाला वाक्य पर इजलास बुलाने के मामले पर तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर मौजूद दस्तखतों में से कुछ को सेनेट हकाम ने मशकूक करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 सेनेटर्स ने 1 सितंबर को सेनेट सेक्रेटरीट में आइन के आर्टिकल 61 और आर्टिकल 54 की शक्ति के तहत एक दस्तखत शुदा रिक्वेजिशन नोटिस जमा कराया था। ये नोटिस पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत ऐवान ने जमा कराया। तहम 5 दिन बाद 6 सितंबर को लिखे गए खत में सेनेट सेक्रेटरीट ने कहा कि रिक्वेजिशन नोटिस पर पीपीपी के 5 सेनेटर्स के दस्तखत रोल ऑफ द मेंबर्स पर मौजूद उनके दस्तखतों से मुमासलत नहीं रखते, इसलिए ये नोटिस चेयरमैन सेनेट की तरफ से सेनेट इजलास तलब करने की शरायत पूरी नहीं करता। जिन सेनेटर्स के दस्तखत मुबैना तौर पर रोल ऑफ द मेंबर्स पर उनके दस्तखतों से मुमासलत नहीं रखते थे उनमें फारूक एश नायक, मियाँ रजा रबानी, पलवशा मोहम्मद जई खान, रुबीना खालिद, शमीम अफरीदी और सेनेटर मोहम्मद अक्रम शामिल हैं।